A very good morning to all of you. Okay, today our new topic is conservation of resources. मुझे पता है conservation of resources का मतलब क्या होता है. इसका मतलब ये होता है ना कि जैसे जो संसाधन है उसका एक विवेकपूर्ण यानी कि दिमाग से और एक समझदारी से उपयोग करना ही क्या कहलाएगा, conservation of resources. ठीक है, किसी भी संसाधन का समझदारी और विवेकपूर्ण से उपयोग करना क्या कहलाएगा, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस. ठीक है, तो इसका आप लोग यहां से यहां तक पूरा लिख लेंगे. क्या लिखोगे, डेफिनेशन लिखोगे. ठीक है, तो देखो इसमें लिखा क्या है, द जुडिशियस यूजेस मीन्स टू रिड्यूस आवर नीड्स, यूज रिसोर्स सॉरी री यूज एंड टू रिसाइकिल द रिसोर्सेज एज फॉर एज पॉसिबल. यानी कि हम लोग जो भी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं उसका आवश्यकता से अधिक उपयोग न करें, जितनी जरूरत है उतना ही उसका यूज करो. ठीक है, जैसे कि वॉटर. ठीक है, हम लोग को पता है कि बहुत कम मात्रा में एक प्योरीफाई वॉटर हम लोग को प्राप्त होता है. ठीक है, तो हम लोग पानी का अपनी आवश्यकता अनुसार अगर इस्तेमाल करें तो वो ज्यादा बेटर है. वो चीज क्या कहलाएगा, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है ना बच्चों, तो यही था आप लोग का कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. इसमें हम लोग का एक टॉपिक आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है ना कि सतत विकास, इसका हिंदी होता है सतत विकास. इसका मतलब ये है कि जैसे कि जैसे कोई इंसान है, ठीक है, उसकी जब लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो होता है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी कि रहने का जो तरीका होता है वो अगर अच्छा होता है तो वो क्या कहलाता है, उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अगर आप लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आप लोग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, अच्छा होगा. ठीक है, अगर आप लोग की आर्थिक स्थिति खराब है तो आप लोग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, खराब होगा. ठीक है, तो ये चीज आप लोग का दिया था. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है ना कि वर्तमान में आप किसी भी रिसोर्सेज का उतना ही उपयोग करिए जितना आपको जरूरत है और उसको बचा के रखिए अपने फ्यूचर के लिए. ठीक है भाई, जो रिसोर्सेज आज यूज कर रहे हैं जरूर ये तो है ना कि ये दोबारा आप लोग को यूज होगा, है ना. जैसे पानी आज आप जितना इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार इस्तेमाल कर रहे हैं तो आगे भी तो पानी की जरूरत ही पड़ेगी ना, कि बस आज ही भर पानी पीना है, बस कल का पता नहीं कल की बात छोड़ो, है ना. तो इसी चीज को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. पास्ट में प्रेजेंट में जो चीज अभी है आप लोग का उसका उतना ही प्रयोग करें ताकि वो फ्यूचर में हमारे काम आ सके. ठीक है, तो इसी चीज को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं. ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग लिखना, इफ द पीपल एंजॉय अ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है, पहली लाइन ये लिख लेना आप लोग यहाँ तक. फिर लिखना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट दैट बैलेंस द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर जनरेशन. ठीक है, यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो क्या है, बैलेंस करता है हमारे नीड्स ऑफ रिसोर्सेज को ताकि वो फ्यूचर में आने वाली जो जनरेशन है उनको भी किसी चीज की तकलीफ ना हो कि भाई उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है या फिर ऐसा कुछ कोई दुविधा या कोई संकट में ना पड़ जाए, इस चीज को लेके बोला गया. ठीक है, फिर इसमें कुछ प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के दिए हुए हैं, तो ये आप लोग पूरी लाइन लिख लोगे. ठीक है, इसका फर्स्ट से लेकर एनवायरमेंट तक ये आप लोग पूरा लिख लोगे आज. ठीक है, तो यहाँ पे आज आप लोग का चैप्टर ये खत्म होता है, प्लस मैंने जितने नोट्स लिखवाए वो सब आप लिखोगे और ये जो कीवर्ड्स हैं इसको जरूर से जरूर अपने क्लास और कॉपी पे लिख के मुझे सेंड करोगे आप लोग. ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से दो मार्क्स के क्वेश्चन आना तो कंपलसरी है. ठीक है, अगर बाय चांस पेपर मैं बनाती हूँ तो मैं तो पक्का इसमें से क्वेश्चन दूंगी आप लोग को. ठीक है, तो जितने भी कीवर्ड्स आप लोग याद करोगे और मुझे लिख के दिखाओगे. ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग के क्वेश्चन आंसर को डिफाइन करके सॉल्व करवा दूंगी. ठीक है, ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.